आप बताइए पूरा मामला क्या है? मुन्ना को मेरा आप बताइए पूरा मामला क्या है? मुन्ना को मेरा आप बताइए पूरा मामला क्या है? मुन्ना को मेरा नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है आईजी चौक यानी फवारा चौक पर, जहां पर आज किसान छात्र संगठन यहां पर आईजी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला पूरा क्या है आइए इनसे ही जानते हैं। जी सर बताइए पूरा मामला क्या है? आप बताइए पूरा मामला। मुन्ना को मेरा आप बताइए पूरा मामला क्या है? मामला ये मैम, छात्र संगठन है जो वो किसान के हित की बात के लिए आवाज उठा रहा है। किसान को जो कुछ जो कानून है जिनों से सख्त नफरत है उनके खिलाफ, और किसानों को कुछ मिल नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से उनके खिलाफ। किस तरह के किसान हितों की और किस तरह के उसकी बात की जा रही, मुद्दों की बात की जा रही? मुद्दे जैसे तीन कानून पहले भी थे, सबको पता है, उनके लिए आवाज उठी थी, पर आज कुछ नए मोड पे आवाज उठने वाली है युवा साथियों के द्वारा। किस तरह के नए मोड की बात कर रहे हैं सर? जो कि युवा साथी ही किसान क्रांति के हित का आवाज उठाएगी। अब किसान हितों की बात की जा रही, किस तरह के किसान हितों की बात की जा रही है सर? जो अपने फसलों के भाव है या अपने किसान के हित के, मतलब इतनी मेहनत करता है फिर भी उसको इतना, मतलब उसके बारे में सरकार इतना अच्छा नहीं सोचती है जी। तो सरकार को सोचना चाहिए, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत धूप में जल रहा है, हर चीज़ के लिए अच्छा कर रहा है। फिलहाल अगर मुद्दों की बात करें, कितने मुद्दे लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदर्शन करने के लिए? हम SYL का मुद्दा, जैसे ये छात्रों के हित के लिए, और सरकारी जो भाव है अनाज का, जैसे हम खेती करते हैं उसके लिए हमारा प्रॉपर भाव नहीं मिलता, और जैसे जैसे के SO पार्टी हमारी भाई संदीप भारती के आज था, इनके नीचे इंडरम ने काम में करने के लिए हमारे युवा साथी एकत्रित हुए हैं, और हमारी यही मांग है कि आने वाले जो इलेक्शन 2024 उसमें जनता की एक आवाज़ उठाई जाए, और उसी में सबसे सबका भाइयों का सबका साथ था आज, और इसी में एकत्रित हुए थे हम सब। कितने मुद्दों की बात की जा रही है, मुद्दे कितने हैं जो आप आईजी चौक पर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे? भाई संदीप ने जो बताया, तीन मुद्दे मैन रहे हैं, किसानों के हित की बात करी जा रही है, उसमें हम युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, सरकार को भी इन मांगों को मानना चाहिए। कौन कौन से हितों की बात की जा रही है सर? क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो मुआवजे की बात है, SYL का मुद्दा भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों को पर ज्यादा निगरानी की गई है? SYL का भी मुद्दा मैम यहाँ पे उठाया गया है जी। उसके किसान कर्जा मुक्ति का भी है, तो और भी दो तीन वायदे और। जो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन के बारे में? इस प्रदर्शन के बारे में ये कहना चाहूँ जी, सभी हम जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं, किसान के पुत्र हम, ठीक है, हमारा यही मकसद है कि जो हमारी मांगे वो पूरी करो। कौन कौन सी मांगे यहाँ पर रखने का कार्य किया? भारतीय ने कर्जा मुक्त है, जो जो ये किए भर्ती फौज की जो भर्ती है मैम, उनकी वो दिक्कतें नहीं हो रही, कोई फांसी खा के, कोई आत्महत्या करके बच्चे, कोई आर्मी की भर्ती नहीं निकली, गलत हो रहा है। पीछे भी एक युवा ने फांसी खा ली है, उसके पीछे किसका क्या सरकारी दोषी और कौन? किसान छात्र संगठन की बात की जा रही है, किस कौन कौन से छात्र यहाँ पर मौजूद हैं? सारे KSO है जी, हमारा SKO ग्रुप है जी, बहुत से ग्रुपों ने मिलकर हम भाई संदीप भारती के समर्थन में है जी। हाँ जी, कहाँ कहाँ से नौजवान यहाँ पर मौजूद है सर, कहाँ कहाँ से आए? बहुत दूर से है, हांसी से भी आ रहे हैं, कोई बरवाड़ा से है, नरवाना से है, रोहतक से भी आ रहे हैं। हाँ जी, ज्ञापन देने आ रहे हैं, सभी इस ज्ञापन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कितने लोग आपके साथ मौजूद है फिलहाल? होंगे जी 1000-2000 से ऊपर है जी। सर आप बताइए कि किन मामलों के चलते आज आप यहाँ पर आईजी चौक पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए, मांग नौजवानों और किसानों से जुड़ी है। सबसे पहली मांग है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो किसान से वादा कराया गया था कि उसको समाज में बराबरी देंगे, और जो उसके सर पे कर्जा है साहूकारों का और मनी लेंडर्स का, उसको सरकार भुगताने का काम करेगी। तो किसान की कर्जा मुक्ति का हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद सरकार ने हमारे से वादा कराया था कि जो फसल हम पैदा करते हैं सरकार उसका लाभकारी भाव हमारे को देगी, और इसके लिए पिछले तकरीबन 14 साल से संसद में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक रखी हुई है जी। तो दूसरी हमारी मांग है खेती को लाभकारी बनाने के लिए, जो आज समय की जरूरत है और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब घाटे का सौदा तो कोई नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं 100 रुपये लगा के कुछ ना कुछ फायदा कमाएं। तो खेती को लाभकारी बनाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने का हमारा मुद्दा है, मांग है। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो है SYL का। बड़े लंबे समय SYL पे राजनीति हुई, सरकारें बनी गई, लेकिन आज तक हरियाणा के किसान को एक घूंट पानी नहीं मिला। तो हरियाणा पंजाब का आज भाईचारा बना हुआ है,
हरियाणा पंजाब में केंद्र में वो सरकारें हैं जिनको दोनों प्रदेशों के वोटों की जरूरत है। तो मैं ऐसा मानते हैं कि SYL का जो इतना पुराना मुद्दा है इसका समाधान होके हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती को पानी मिल सकता है। चौथी जो बात है वो है बेरोजगारी के संबंध में। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन उसको लेके कोई नीति बनाने की बजाय सरकार उसको अलग अलग नामों से बरगलाने का काम करती है, चाहे प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे कोई पार्टी हो। तो हम ऐसा मानते हैं यदि खेती को थोड़ा सुधारा जाए और खेती में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, खेती में उद्योग जोड़े जाएँ, फूड प्रोसेसिंग और जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, तो खेती इतने रोजगार पैदा कर सकती है जिससे हरियाणा ही नहीं देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह भारतीय जी। सर किसान छात्र संगठन की यहाँ पर बात हो रही है, कौन कौन से संगठन यहाँ पर मौजूद है फिलहाल? देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी छात्र संगठन के संयोजन में सभा हुई थी। यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के बहुत संघर्षशील और जुझारू किसान जो छात्र नेता है वो मौजूद हैं। संगठनों की नहीं, ये भाईचारे की मीटिंग थी। इसमें हमने एक मोर्चे का गठन किया है, क्रांतिकारी छात्र किसान मोर्चा। उसमें हम देश से ढूंढ के ऐसे जो चौधरी छोटू राम की, नेताजी सुभाष की और भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में खेती को लाभकारी और किसान को कर्जा मुक्त कराने का जो हमारा एजेंडा है वो पूरा हो सके। आज आपने ज्ञापन देने का कार्य किया है, किन्हें आपने ज्ञापन दिया है? जी हमने इन मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये इशार से ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे को उसका रिप्लाई मिलेगा, अन्यथा हम आगे संघर्ष करने पे मजबूर होंगे। तो ये संघर्ष आपका कब तक जारी रहेगा? ये संघर्ष पिछले तकरीबन 15 साल से चला हुआ है, अलग अलग संगठन अलग अलग नाम से, और ये अभी हम इसको पूर्ण कर देंगे। हमने जो लड़ाई के तरीके देखे हैं, जो समझे हैं, उसके आधार पे हम ऐसा मानते हैं कि आजाद देश है। जब अंग्रेजों के राज में लड़के हमने अपना अधिकार ले लिए थे, तो इनसे अधिकार लेना यदि हम समझदारी से चलेंगे तो हमें ज्यादा मुश्किल लगता नहीं। तो जैसे आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान छात्र संगठन के छात्र मौजूद हैं, जिन्होंने आज IG चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, उसके बाद अपना ज्ञापन दिया। और इनका यही कहना है कि यदि समय पर सरकार इनकी मांगों का कबूल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ये संघर्ष समय समय पर जारी रहेगा। अपने शहर और सिटी की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए RSN एक्सप्रेस के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।